नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा आपके साथ। आज नीतीश कुमार के कैबिनेट का विस्तार हो गया। कुल 31 विधानमंडल सदस्यों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। सभी की निगाहें टिकी थी कि नीतीश और तेजस्वी के कैबिनेट में कौन कौन से नामों को जगह मिलेगी। मालूम हो कि तेजस्वी ने कहा था कि राजद MY समीकरण नहीं बल्कि A to Z की पार्टी है। मंत्री बनाते वक्त जातीय समीकरण का पूरा ध्यान भी रखा गया है। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा यादव को मंत्री बनाया गया है। बता दें कि 8 यादव मंत्री बनाए गए हैं। नीतीश तेजस्वी के कैबिनेट में RJD का पलरा भारी नजर आया। बता दें कि राजद से कुल 16 सदस्यों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही जदयू की तरफ से 11 लोग मंत्री बनाए गए हैं। वहीं कांग्रेस से 2, हम से 1 और 1 निर्दलीय ने शपथ ली है। नीतीश कैबिनेट में 2 भूमिहार मंत्रियों को जगह मिली है। RJD से 3 मुस्लिम मंत्री बने हैं और कुल 7 यादव को RJD ने मंत्री बनाया है। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में राजद की तरफ से तेज प्रताप यादव, आलोक मेहता, सुरेंद्र यादव, रामनंद यादव, ललित यादव, कुमार सर्वजीत, समीर महासेठ, चंद्रशेखर, अनीता देवी, जितेंद्र कुमार राय, सुधाकर सिंह, कार्तिकेय सिंह, शमीम अहमद, सुरेंद्र राम, शहनवाज आलम शामिल हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं अगर हम जदयू की बात करें तो जदयू की तरफ से विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, लेसी सिंह, संजय झा, मदन सहनी, शीला मंडल, सुनील कुमार, जयंत राम, जमा खाने मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस की तरफ से 2 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिनमें अफाक आलम और मुरारी गौतम का नाम शामिल है। वहीं हम के तरफ से संतोष सुमन ने मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं निर्दलीय की तरफ से सुमित कुमार का नाम तय था और उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। बहरहाल आप तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।